अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये जो आप ये एक्चुअली मैं किस में ले रहा हूँ, ये बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स के लिए आपको ये सब कुछ चीज़ें पता होनी बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स आपको डिफ़िकल्ट होता है, आपको ऐसा लगता है फिजिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन फिजिक्स डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि आपका बेसिक मैथ्स वो कहीं ना कहीं वीक होता है 10th में। तो आप जस्ट 10th के एग्ज़ाम्स दिए आपने, तो आपको ये जो मैं अभी फाउंडेशन सीरीज जो स्टार्ट किया है, तो इसमें मैं बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर योर फिजिक्स, वो फिजिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो मैंने ये स्टार्ट किया है अभी, जैसा एक लास्ट लेक्चर हो गया, उसके बाद ये नेक्स्ट दैट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद देखेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दैट इज़ अ कैलकुलस जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं, और देन वेक्टर। तो अगर ये आप पैकेज अच्छे से कर लो ना, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं जाएगा, फिजिक्स आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर फिजिक्स में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड टू फिजिक्स दैट इज़ नीट। आप डॉक्टर बन रहे हो, 2 साल में डेफिनेटली डॉक्टर बनोगे इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस फाउंडेशन सीरीज, क्योंकि फिर 2 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं, 2 साल में आप फिजिक्स आसानी से आप कैच कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, फिजिक्स तो वहाँ पे समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस जब प्रॉब्लम कर दें आपको नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम्स में आपको कहीं ना कहीं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत होगी, कहीं ना कहीं आपको वेक्टर की ज़रूरत होगी, और आप वहाँ पे लैग करोगे। तो आपको इसको अच्छे से समझना है, व्हाट इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बेसिक से बात करूँगा मैं, आपने 10th में आपका हुआ ही होगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक्चुअली कहाँ से आया हो, थोड़ा सा वो भी बात कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, ओके। इसका मीनिंग क्या है, अगर इसमें 3 वर्ड्स है, एक है ट्राई, एक से एक है गॉन गॉन और एक है मेट्रॉन, ये तीनों का मिला के ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है। तो ट्राई का मतलब है 3, राइट। गॉन का मतलब है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब है मेजर मेजर, 3 साइड्स एंड मेजर। सो इनको मिला के ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट द स्टडी 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 ऑफ रिलेशनशिप रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप नहीं, वो वाले नहीं जो आप सोच रहे हो, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ, यस स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रिलेशनशिप स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एंगल एंगल एंड साइड्स साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दिस इज अ बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आप अच्छे से समझ लो कि ये सिंपल डेफिनेशन है, ये कहाँ से आया है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल हम लेंगे, वो ट्रायंगल डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें से एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, कोई भी ट्रायंगल की हम बात नहीं करेंगे, दैट मस्ट बी द राइट एंगल ट्रायंगल। आप राइट एंगल ट्रायंगल अच्छे से समझते हो, राइट। तो ये वो चीज़ है कि जो आपको इस साइड्स का रिलेशनशिप, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है थीटा वन, इसको थीटा वन थीटा टू बोलता हूँ, ये जो एंगल है इसका रिलेशनशिप देगा, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अगर आप लाइफ मतलब डे टू डे लाइफ में देखो, तो सिंपल एक लैडर है, और अगर लैडर की लेंथ निकालना है तो सिंपल आपको अगर वॉल की हाइट और वॉल से डिस्टेंस कितने दूर है लैडर ये पता है, तो आप लैडर की लेंथ विदाउट मेजर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो पॉसिबल नहीं है हमें एक्चुअल मेजरमेंट लेना, लेकिन ऐसा ज्योमेट्री अगर वहाँ पे बन रहा है तो डेफिनेटली
विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन इजीली कैलकुलेट, वी कैन इजीली कैलकुलेट. इवन इवन अगर वॉल और वॉल से डिस्टेंस हम एक लैडर लगाते हैं और हमें ये दो साइड्स पता भी नहीं है, हो सकता है आप बोलिए सर वो तो पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से आ जाएगा, वॉल की हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड लैडर उसका स्क्वायर ले लो वो तो पाइथागोरस थ्योरम दे देगा. लेकिन अगर ये वॉल की हाइट हमें पता नहीं है लेकिन लैडर ने कितना एंगल बनाया है, मान लो दिस इज अ लैडर एंड दिस इज अ पर्टिकुलर वॉल और दिस इज अ डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल, इसके साथ इसने कितना एंगल बनाया है और ये डिस्टेंस भी अगर हमें पता है तो हम आसानी से लैडर की लेंथ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो इतना इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री. विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप फिजिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम में मतलब समझ में नहीं आएगा यार, मैं क्यों बोलूँ कि मिस करोगे इतना पार्ट अगर ये नहीं किया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझना ही है, आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझना ही है. तो ये आप थोड़ा सा लिख सकते हो. अगर देखो अच्छे से मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे मैं एक लाइन दे लेता हूँ, दिस इज ओ ए लाइन एंड इट्स मेकिंग सम एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस. इफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज रिवॉल्विंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस दैट इज अ थीटा, तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे डाल दूँ, प्रोजेक्शन सीधा लाइन पे वर्टिकल प्रोजेक्शन, तो ये वर्टिकल प्रोजेक्शन वाई एक्सिस इतना होगा, उसकी लेंथ वाई एक्सिस बताएगी बराबर है और ये आपका बेस हो जाएगा बेस और ये प्रोजेक्शन को मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर. क्या बोलूँगा? परपेंडिकुलर पी. ओके ये हो गया बेस बी, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस दैट इज अ एच, वेयर हाइपोटेनियस इज हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं राइट. सो दैट इज अ हाइपोटेनियस इज एच, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज अ बेस. अब ये रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हो रहा है तो क्या हाइपोटेनियस मूव हो रहा है और हाइपोटेनियस इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस? तो यस. तो उसके साथ साथ अगर ये इस क्वाड्रेंट में आ गया तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा. वो अगर यहाँ पे आ गया तो ये वाला बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा बराबर. परपेंडिकुलर हमें वाई एक्सिस ही रखना है और बेस हमें एक्स एक्सिस ही रखना है. तो अगर ऐसा है तो इनका रिलेशन मतलब इन थ्री साइड्स का रिलेशन हमें अमंग द ऑल पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स देखना है और दैट थ्री रिलेशंस दैट रिलेशन ऑफ दिस साइड्स एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्री. ये बेसिक में ये देख लिया हमने. तो वो पर्टिकुलर रिलेशंस हमने छः रेशो में उसको यहाँ पे बताया है या छः रेशो में उसको डिफाइन किया है. तो पहला रेशो है, फर्स्ट रेशो इज साइन थीटा. आप बोलेंगे सर ये साइन थीटा ये कहाँ से आया है? तो देखो ये जो हम आप टेंथ में पढ़े हो तो आपको लिए नया नहीं है साइन कॉस टैन, तो ये ग्रीक वर्ड्स है यार. ये ग्रीक्स ने इसका कोई मीनिंग नहीं कि साइन को साइन ही क्यों बोला है, कॉस को ही क्यों बोला है बराबर है. तो व्हाट इज़ अ साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग बट ये हमने एक एंगल ले लिया तो साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. या इस परपेंडिकुलर ये थीटा के सामने है तो इसको मैं अपोजिट साइड भी बोल सकता हूँ. इसको क्या बोलूँगा मैं? अपोजिट साइड. तो वो अपोजिट साइड भी हो गई. तो साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ओके वैसा ही सेकंड रेशो है कॉस थीटा. मुझे ये रेशो अलग अलग निकालना है कि थीटा और ये अलग, क्योंकि ये रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्री बराबर है. नेक्स्ट रिलेशन है कॉस थीटा. सो व्हाट इज अ कॉस थीटा? कॉस थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड ये वाली साइड अपॉन हाइपोटेनियस या बेस. तो बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. नेक्स्ट रेशो है टैन थीटा. नेक्स्ट रेशो है टैन थीटा. तो नेक्स्ट रेशो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब जो थीटा है वो ये अज्यूम किया हमने, थीटा अगर ये है तो उसके आगे क्या साइड परपेंडिकुलर बोल दिया है, या उसको हमने बेस या अपोजिट साइड बोल दी, और बेस को मैं एडजेसेंट साइड बोल दूंगा. इसको क्या बोलूंगा मैं, एडजेसेंट साइड. दिस इज अ एडजेसेंट साइड एंड दिस इज अ अपोजिट साइड. तो बेस परपेंडिकुलर पी एंड हाइपोटेनियस, ये थीटा के रिलेटिव टर्म्स है. मतलब जब थीटा अगर मैं ये लूंगा, अगर थीटा में अगर ये लेता हूँ तो डेफिनेटली ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी और ये अपोजिट साइड हो जाएगी. चेंज हो गया एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट, तो डिपेंड्स ऑन थीटा. अभी मैं थीटा ये ले रहा हूँ, बराबर है, तो उस हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा. तो आपको थीटा जो है, थीटा परपेंडिकुलर, जब थीटा की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, सामने वाली साइड, और बेस मतलब एडजेसेंट साइड. ये थीटा अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो ये तीन रेशियो हो गए. वैसे और आगे देर आर थ्री रेशियोज एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ दिस रेशियो, दैट इज अ साइन थीटा का इनवर्स है कोसेक थीटा, एंड वेयर कोसेक थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज अ साइन थीटा, देन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर इसका इनवर्स. ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके उसके बाद इसका इनवर्स कॉस थीटा का इज सेक थीटा. इसका इनवर्स मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस. देन लास्ट रेशियो टैन थीटा का इनवर्स, दैट इज अ कॉट थीटा, एंड दैट इज अ बेस अपॉन परपेंडिकुलर. दीज आर द सिक्स रेशियो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो. दीज आर द सिक्स रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा. साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा इज इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, एंड टैन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इनवर्स ऑफ टैन थीटा. ये कहाँ से लिया हमने, सिंपल हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, ये थीटा है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर साइड, ये 90 डिग्री, और ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, दिस इज अ हाइपोटेनियस. तो अगर ये थीटा बन जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा. हाइपोटेनियस तो यही वही है ना, तो ये थीटा पे डिपेंड है आप कौन सा थीटा ले रहे हो. तो ये फिर चेंज हो जाएंगे रेशो, बराबर, ये रेशो चेंज हो जाएंगे. तो आपको ये अच्छे से समझना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये आप अच्छे से लिख लो. तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन अ डिफरेंट क्वाड्रेंट. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स दैट साइन थीटा, कॉस थीटा. तो कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं हम. अब ये इस टाइप का मैं एंगल लेता हूँ, मान लो दिस इज अ थीटा, देन दिस इज अ बेस, दिस इज अ परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज अ परपेंडिकुलर टू द बेस, एंड दिस इज अ हाइपोटेनियस, राइट, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस. तो फर्स्ट हमने देखा था साइन थीटा, वेयर साइन थीटा इज नथिंग बट, साइन थीटा इज नथिंग बट द पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट. देन हमने देखा था कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज, कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. देन हमने देखा था टैन थीटा, राइट, तो टैन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. वैसे हमने इसका साइन थीटा का रिवर्स मतलब इनवर्स क्या था, कोसेक थीटा. व्हाट इज द कोसेक थीटा, क्या था इसका रिवर्स, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर,
हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो कॉस थीटा का हमने क्या देखा था, सेक थीटा, सेक थीटा किसका, इनवर्स है कॉस का, तो एच मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और इसका हमने देखा था टैन थीटा का क्या देखा था, रिवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दीज आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट, ये हमने अच्छे से देखा। अब वेरिएशन ऑफ वैल्यूज, इसका कैसा वेरिएशन होगा इस वैल्यूज का इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स हमें पता है, दिस इज अ क्वाड्रेंट सिस्टम, राइट, ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, ओके। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर ये पर्टिकुलर एंगल है, ये पर्टिकुलर ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज अ परपेंडिकुलर, और दिस एंगल थीटा, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें तो इस पर्टिकुलर इसमें देखा जाए तो ये कितना है, 90 डिग्री है, बराबर है ना, यहाँ से कितना रोटेट हुआ, 90 डिग्री रोटेट हुआ, मतलब इसको मैंने इस तरीके से भी ले सकता था मैं, लाइक दिस, जो हमने पहले देखा है वही आएगा। हमने पहले क्या देखा था, ये एंगल कितना, थीटा, तो ये क्या लिया था हमने, पी परपेंडिकुलर, ये क्या था, बेस, बराबर है। तो अगर हमारा ये रिवॉल्विंग फंक्शन यहाँ पे है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये थीटा। अब मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें बी क्या है, बी इज पॉजिटिव, इसमें पी क्या है, इधर पॉजिटिव, मतलब इधर क्या होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, इधर वाई एक्सिस निगेटिव, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव, और इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, राइट। बी इज पॉजिटिव है, बेस इज पॉजिटिव, यर पी ऑल्सो पॉजिटिव बिकॉज परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, एच पॉजिटिव आएगा, ओके। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ऐसा है तो इसमें के कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे, क्या कोसेक थीटा, एच एंड पी दोनों पॉजिटिव है, तो कोसेक थीटा पॉजिटिव, यस, सेक थीटा एच एंड बी पॉजिटिव है, तो यस, कॉट थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, ऑल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। इसका मतलब ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई फंक्शन यहाँ पे निगेटिव नहीं है, राइट। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, अब आते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये आएगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, बराबर है, ये एंगल इतना उसने किया, वो एंगल में मान लो यहाँ पे ले रहा हूँ थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज अ पी, और ये हो गया बेस, लेकिन अब बेस यहाँ पे कैसा है, निगेटिव है, लेकिन परपेंडिकुलर अभी भी क्या है, वाई पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो बी जहाँ जहाँ निगेटिव होगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो फंक्शन इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, चाहे पी कुछ भी रहे, लेकिन बी अगर निगेटिव है तो बी कहाँ कहाँ निगेटिव है, मतलब बी कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो बी मेरे ख्याल से कोसेक एंड साइन छोड़ के बी सब तरफ है, इसका मतलब सेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, ये सब निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, दिस ऑल फंक्शंस आर निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्सेप्ट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, सो ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, बराबर है, विदाउट इसमें ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, एंड अदर फंक्शन क्या होंगे, अदर फंक्शन इज निगेटिव, अदर फंक्शन इज निगेटिव, बराबर है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये रिवॉल्विंग यहाँ पे आ जाएगा ओपी, या हमने ओ ए लिया था, तो ये हो गया उसका परपेंडिकुलर, बराबर है पी, और ये हो गया उसका बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी निगेटिव एंड बेस भी निगेटिव है, देखो ये बेस, बराबर है ना, तो ये बेस नहीं है एक्चुअली, ये वाला ले सकते हैं आप थीटा, तो बेस इज निगेटिव, हियर बेस, दिस पर्टिकुलर बेस इज निगेटिव, यहाँ पे बेस निगेटिव,
पी बी क्या है, निगेटिव की क्यों, निगेटिव डायरेक्शन में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से निगेटिव आएंगे, जो जहाँ पे पी एंड बी निगेटिव है वो ऑल निगेटिव। सर एच का क्या, एच निगेटिव है क्या, एच निगेटिव है, एच पॉजिटिव होगा क्यों, वॉट इज एच, अगर पाइथागोरस थ्योरम से एच निकाले तो क्या आ जाएगा, वो पी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। पी का स्क्वेयर क्या है, निगेटिव का स्क्वेयर क्या है, पॉजिटिव, बी का स्क्वेयर भी निगेटिव का स्क्वेयर क्या है, पॉजिटिव, तो बोथ आर पॉजिटिव, तो एच भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब एच ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा पॉजिटिव फंक्शन आ सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखो कॉट थीटा बी निगेटिव, पी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव कैंसिल पॉजिटिव, टेन थीटा निगेटिव, पी निगेटिव बी कैंसिल, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब टेन है और ये पॉजिटिव, यहाँ पे एच क्या है पॉजिटिव है, बी क्या है निगेटिव, मतलब सेक थीटा निगेटिव, कॉस में जाते बी क्या है निगेटिव, एच लेकिन पॉजिटिव, तो ये सब फंक्शन, साइन भी वैसा कोसेक भी वैसा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन कोसेक साइन कॉस थीटा ऑल फंक्शन, दिस फोर फंक्शंस आर निगेटिव, बस दिस टू फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब टैन थीटा एंड कॉट थीटा ओनली पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वही लिख रहा हूँ मैं, हियर ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, हियर साइन एंड कोसेक्स आर पॉजिटिव, बराबर है, और अदर ऑटोमेटिकली निगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब जो भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जो भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके एंगल्स, उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये मैं बता रहा हूँ। इसको एक आसान सी मेथड भी है, वो भी देखेंगे, लेकिन वो इसके बाद, पहले उसका बेसिक क्या है वो समझना है, जैसे डायरेक्ट मैं शॉर्टकट बताऊँ आपको वो बराबर नहीं है, क्योंकि अभी आप टेंथ जस्ट पास आउट है, एलेवंथ में जा रहे हो, तो अभी से शॉर्टकट बताओ तो आप ये कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ से आया हो, है ना, हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है, तो वो चीज़ें समझ लो कहाँ से ये चीज़ें आ रही है, फिर शॉर्टकट्स भी इसके बाद शॉर्टकट लगेगा कि सर इतना क्यों याद रखने का, ये एक ट्रिक याद रखो ख़त्म कर दो उसको, बराबर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आ गया, बराबर है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आ गया, अगर हाइपोटेन्यूस यहाँ पे आ गया तो ये परपेंडिकुलर रहेगा पी, पी यहाँ पे भी क्या है निगेटिव, लेकिन बेस यहाँ पे पॉजिटिव है, तो जहाँ जहाँ पी आएगा वहाँ वहाँ वो निगेटिव आएगा, तो पी कहाँ कहाँ पे पी, या जहाँ पे पी आएगा तो पी यहाँ पे, मतलब कॉट थीटा इन दिस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट इज निगेटिव, टेन थीटा आल्सो निगेटिव, कॉस एंड सेक नहीं है, ये है दोनों निगेटिव, क्योंकि ये पी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, इसका मतलब यहाँ पे दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, बराबर, ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव, अदर आर निगेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ऑल फंक्शंस आर हियर पॉजिटिव, ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज पॉजिटिव, टैन थीटा एंड कॉट थीटा इज पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव, ये अच्छे से आप समझ लो, हम इसका शॉर्टकट्स इसके बाद देखेंगे। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, सिंपल ट्रिक है, ट्रिक ये है कि ए एस टी सी रूल, मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ए स्कूल टू टी कॉलेज, हम स्कूल में थे कॉलेज में आ गए, बराबर है ना, इलेवन ट्वेल्थ में आ गए मतलब कॉलेज में आ गया, तो अब आपको ये फंक्शंस मैं सिंपल इस ट्रिक से बताता हूँ। तो आफ्टर मतलब ए, यहाँ पे ए आएगा, तो यहाँ पे ए, ए का मतलब है ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव ही है, ए का मतलब क्या है, ऑल फंक्शन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, बराबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो आफ्टर सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ है, स्कूल है, तो स्कूल मतलब एस, बराबर है, तो स्कूल एस, तो एस मतलब क्या है साइन, तो साइन और उसका इनवर्स कौन सा है, कोसेक, हमने देखा, बराबर है, ये दोनों फंक्शन यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव, बाकी फंक्शन क्या है नेगेटिव है। फिर आते हैं यहाँ पे, आफ्टर हो गया, स्कूल हो गया, टू पे आते हैं, टू मतलब टैन, टू मतलब क्या, टैन थीटा, उसका अपोजिट क्या है, इनवर्स क्या है, कॉट थीटा, बोथ आर पॉजिटिव हियर,
देख सकते हो आप टैन एंड कॉट पॉजिटिवली। फिर उसके बाद क्या है कॉलेज, कॉलेज मतलब क्या कॉस एंड सेक, तो यहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव, ऑल अदर आर निगेटिव, बराबर है। ये आपको सिंपल ट्रिक याद रखना है, ऑल ए साइन का एस टैन का टी एंड कॉस का सी, बाकी ये इसके इन्वर्स है, बराबर है ना। साइन का इन्वर्स कोसेक वो याद रखने की जरूरत नहीं, टैन का इन्वर्स कॉट वो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इन्वर्स है, इन्वर्स आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐसा भी हम इसको याद रखते। तो ये जो ट्रिक है या ये जो अब मैंने सिखाया है आपको, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें किस में काम में आएगा, मुझे साइन साइन 300 की वैल्यू निकालनी है, मुझे साइन 1000 की वैल्यू निकालनी है। तो ये सब वैल्यू अगर मुझे निकालने हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ हैं, इसके बाद वही देखेंगे, तो वो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं, ये आप अच्छा लिख सकते हो।